नमस्कार मैं दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर जाने कृषि शिक्षा के लिए आज का दिन क्यों है खास बिहार स्पेशल स्कूल शिक्षक के लिए ये है परीक्षा पैटर्न और सिलेबस प्रवर्तन पदाधिकारियों को मिली वाहन की सुविधा भारी मात्रा में कछुआ के साथ दो तस्कर गिरफ्तार पाकिस्तान के क्रिकेटर ने बताया कौन है भारत का महान बल्लेबाज इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर जाने शिक्षा के लिए आज का दिन क्यों है खास आज यानी कि तीन दिसंबर को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था जो कि भारत के पहले कृषि मंत्री भी थे ऐसे में कृषि विकास में उनके योगदान को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से उन्हें सम्मानित करने के लिए उनके जन्मदिन को कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया जिसका उद्देश्य देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कृषि क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं से आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराना है ताकि बच्चे अपना अमूल्य योगदान कृषि के क्षेत्र में दे सके बता दें कि भारत के टॉप पाँच कृषि विश्वविद्यालयों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान आई हरियाणा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना पंजाब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर तमिलनाडु शामिल है बिहार स्पेशल स्कूल शिक्षक के लिए यह है परीक्षा पैटर्न और सिलेबस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत कर दी गई है ऐसे में हम आपको बता दें कि इस परीक्षा में दो पेपर होंगे जिसमें कक्षा एक से 5 तक के लिए पेपर एक और कक्षा छह से आठ तक के लिए पेपर दो होगा इन दोनों पेपर में एक सौ प्रश्न होंगे और उनके लिए समान अंक भी निश्चित है बता दें की परीक्षा में पूछा गया प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा ऐसे में पेपर एक में पांच भागों में प्रश्न होंगे जबकि पेपर दो में चार भागों में प्रश्न होंगे परीक्षा की अवधि ढाई घंटे निर्धारित की गई है मालूम हो कि कक्षा एक से पांच तक के लिए प्रश्न पाठ्यक्रम के अनुसार होंगे लेकिन कठिनाई का असर उच्चतर माध्यमिक स्तर का, का होगा पेपर एक के सिलेबस में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भाषा एक हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई एक भाषा दो अंग्रेजी गणित और पर्यावरण होंगे वहीं पेपर दो के सिलेबस में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भाषा एक हिंदी उर्दू बांग्ला में कोई एक भाषा दो अंग्रेजी संस्कृत हिंदी उर्दू व बांग्ला गणित एवं विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान शामिल होंगे रेलवे ने रद्द किया कई ट्रेनों का परिचालन रेलवे के द्वारा इतिहास के तौर पर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवर्ती तूफान मी चौक को लेकर बिहार से दक्षिण भारत की ओर जाने वाली पंद्रह ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया गया बता दें कि जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें गाड़ी संख्या शून्य तीन दो पांच एक दानापुर एस एम वी बी स्पेशल गाड़ी संख्या शून्य तीन दो पांच दो एस एम वी बी दानापुर स्पेशल गाड़ी संख्या शून्य छः पांच शून्य नौ बेंगलुरु दानापुर स्पेशल गाड़ी संख्या शून्य छः पाँच एक शून्य दानापुर बेंगलुरु स्पेशल गाड़ी संख्या एक दो दो नौ पाँच एस एम बी बी दानापुर संघमित्रा एक्सप्रेस गाड़ी संख्या एक दो दो नौ छः दानापुर एस एम बी बी संगमित्रा एक्सप्रेस गाड़ी संख्या एक दो तीन आठ नौ गया चेन्नई एक्सप्रेस गाड़ी संख्या एक दो तीन नौ शून्य चेन्नई गया एक्सप्रेस गाड़ी संख्या एक पाँच दो दो आठ मुजफ्फरपुर एस एम बी बी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या एक पाँच दो दो सात एस एम बी बी मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या दो दो छः चार तीन और दो दो छः चार चार एनाकुलम पटना एनारकुलम एक्सप्रेस गाड़ी संख्या दो दो छः सात शून्य और दो दो छः छः नौ पटना एनारकुलम पटना एक्सप्रेस गाड़ी संख्या शून्य तीन तीन पाँच आठ कोयम्बटूर बरौनी स्पेशल गाड़ी संख्या एक तीन तीन पाँच एक और एक तीन तीन पाँच दो धनबाद एल धनबाद एक्सप्रेस के नाम शामिल हैं टी ट्वेंटी वनडे और टेस्ट मैच के लिए चयनित हुए मुकेश कुमार बिहार के लाल और भारतीय क्रिकेटर मुकेश कुमार का चयन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के द्वारा साउथ अफ्रीका के दौरे के तीनों फॉर्मेट टी ट्वेंटी वनडे और टेस्ट मैच के लिए किया गया है बता दें कि मुकेश कुमार की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीसीसीआई के द्वारा कुल बत्तीस खिलाड़ियों को चुना गया है जिनमें से सिर्फ तीन खिलाड़ी ही ऐसे हैं जिनको तीनों फॉर्मेट के लिए चुना गया है इन तीन खिलाड़ियों में श्रेयस अय्यर डेतुराज गायकवाडा और मुकेश कुमार हैं। वहीं मुकेश कुमार के इस उपलब्धि पर परिवार के लोगों में हर्ष का माहौल है मुकेश कुमार के बड़े भाई के द्वारा बताया गया कि इस खबर से घर में लोग काफी खुश हैं। ओवरऑल देखें तो यह उनके लिए अचीवमेंट है देश के लिए समर्पित है शादी के बाद घर में बहु आई है वह लक्ष्मी है घर में तरक्की हो रही है बहुत अच्छा लग रहा है हम देशवासियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक लड़का गाँव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहा है पटना में गंगा के किनारे अब नहीं होगा कोई निर्माण कार्य सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस अगस्टाइन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ के द्वारा पटना निवासी अशोक कुमार सिन्हा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया गया है कि बिहार सरकार अब यह सुनिश्चित करेगी कि गंगा नदी के किनारे खासकर पटना और उसके आस कोई अन्य निर्माण कार्य न हो इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह दो चिन्हित अवैध संरचनाओं को हटाने की प्रगति के बारे में उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करे जो कि पटना में गंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र में बनाई गई है बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 5 फरवरी को की जाएगी मालूम हो कि कोर्ट की ओर से सुनवाई के दौरान कहा गया है कि खंडपीठ पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी इस संबंध में क्या स्थिति है यह जानने के इच्छुक है इसलिए अतिरिक्त महाधिवक्ता ऐश्वर्य भाटी को अगली सुनवाई में कोर्ट के सामने ऐसी जुड़े सम्बन्धित तथ्य प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दिया गया है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए चयनित हुई बिहार की दो बेटियां प्रोजेक्ट राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की प्रभात तारा स्कूल की दो छात्रा भव्य विमल प्रिया और आयुषी का चयन माइनर मिलेट्स का स्व परिस्थितिकी के अध्ययन नामक प्रोजेक्ट के लिए किया गया है बता दें कि भव्य राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में इस प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करेंगी वहीं आयुषी भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रोजेक्ट की प्रस्तुति देंगी मालूम हो कि भव्य ने अपना प्रोजेक्ट स्कूल के शिक्षक डॉक्टर शिव प्रिया की देखरेख में तैयार किया है वहीं बाल विज्ञान कांग्रेस के जिला समन्वयक डॉक्टर फुलगेन पूर्वे के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 में संख्या और गुणवत्ता दोनों में अव्वल रहा है इसका प्रमाण है कि छात्रा का प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुआ है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को मिली वाहन की सुविधा बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा श्रम प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना के तहत यह निर्णय लिया गया है कि विभाग की 16 योजनाओं को जमीन पर उतारने वाले श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को वाहन की सुविधा दी जाएगी इसको लेकर विभाग के संयुक्त श्रम आयुक्त अरविंद कुमार के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसके एवज में हर एक एलियो को पैंतीस हजार दिए जाएंगे बता दें कि विभाग की ओर से ये सभी पांच प्रखंडों में तैनात एलियो को वाहन की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है वहीं सरकार के इस निर्णय को एलो संघ के द्वारा सराहा गया है और संघ के अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी के द्वारा कहा गया है कि को यह सुविधा नहीं मिल रही थी जिस कारण विभागीय कामकाज में परेशानी हो रही थी ऐसे में सरकार के द्वारा एलईओ को परेशानी को समझते हुए वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है जिससे भविष्य में प्रखंड स्तर पर कार्यालय कर्मचारी आदि की भी सुविधा बहाल करने का आश्वासन मिला है संघ सरकार को इसके लिए बधाई देते हैं भारी मात्रा में कछुआ के साथ दो तस्कर गिरफ्तार बाराचट्टी थाना अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गया के बाराचट्टी थाना के पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर यूपी से कोलकाता जा रही माल वाहक ट्रक से भारी मात्रा में कछुआ को बरामद किया गया जिसे तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था और साथ ही इस दौरान पुलिस के द्वारा चालक और उपचालक को भी गिरफ्तार किया गया है मिली जानकारी के अनुसार बरामद कछुआ की संख्या करीब करीब 20 से बोरा है जो यूपी से लोड हुई थी और बंगाल जा रही थी डीएसपी राज किशोर सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि यह कार्रवाई वन अधिनियम के तहत की गई है ऐसे में यह कार्रवाई फॉरेस्टर राकेश कुमार के द्वारा स्थिति का जायजा लेते हुए किया जा रहा है सभी 40 सीटों के लिए बीजेपी ने की लोकसभा प्रभारी नियुक्त 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से अपनी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बता दें कि भाजपा के द्वारा राज्य के सभी लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है इसको लेकर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा लोकसभा प्रभारी की एक सूची जारी की गई है जिसमें अखिलेश कुमार सिंह को वाल्मीकि नगर शैलेन्द्र मिश्र को पश्चिम चंपारण अशोक सहनी को पूर्वी चंपारण सियाराम शाह को सिवहर नीरज गुप्ता को झंझारपुर सुनील कुमार को सुपौल रोहित पांडे को अररिया प्रफुल्ल रंजन वर्मा को किशनगंज अभय वर्मन को पूर्णिया विनोद मंडल को कटिहार विजय शंकर चौधरी को मधेपुरा रत्नेश कुमार सिंह को मुजफ्फरपुर अनिल मिश्र को वैशाली उमेश प्रधान को सिवान संजीत अग्रवाल को हाजीपुर सुशील चौधरी को उजियार विकास सिंह को बेगूसराय कुमार प्रणय को नालंदा राम वीरेंद्र सिंह को पटना साहिब जितेंद्र पांडे को आरा अनिल स्वामी को बक्सर संजय मेहता को सासाराम अनिल सिंह को औरंगाबाद सी डी शर्मा को गया नवीन केसरी को जहानाबाद का लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया गया है इसके साथ ही बिहार की सभी 40 सीटों के लिए लोकसभा प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है शराबबंदी कानून को लेकर मांझी के बयान पर आई कांग्रेस की प्रतिक्रिया बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संरक्षक नीतन राम मांझी के द्वारा कहा गया है कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार आती है तो यहाँ गुजरात जैसा नियम लगा देंगे या फिर शराबबंदी कानून को वापस ले लेंगे वहीं अब उनके इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राम मंदिर उद्घाटन पर अन्य धर्म के लोगों को चढ़ाएगी भाजपा ने देश की संस्कृति को तार तार कर दिया है आजादी के बाद बनी भाजपा नागपुरिया संविधान से चलती है समाज में कटुता वैमनस्यता धर्म के नाम पर लोगों को बांटती है जबकि कांग्रेस समाज के हर वर्ग धर्म के लोगों को आपसी सद्भाव से चलना सिखाती है वहीं सीटों के बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि तीन तारीख का इंतजार कीजिए बीजेपी पांच राज्यों में धूल दूषित होने जा रही है उसके बाद हम लोग बैठकर इंडिया गठबंधन का काम शुरू कर देंगे के के पाठक पर भर के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इन दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक के द्वारा कई फरमान जारी किए जा रहे हैं जिसका विरोध भी किया जा रहा वहीं अब केके के के पाठक के खिलाफ बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है दरअसल बीते दिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जहानाबाद पहुंचे जहां उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा की संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार का हक सभी को है चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई अन्य व्यक्ति किसी को भी संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के हनन का अधिकार नहीं है मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले व्यक्ति की दुर्गति तय है उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगर कोई कदम उठाए जा रहे हैं तो सभी को इसका समर्थन करना चाहिए इसके साथ ही स्कूलों में सुबह नौ से शाम पाँच बजे तक शिक्षकों की उपस्थिति के निर्देश को सही बताया है उन्होंने के के पाठक से मतभेद की बात को भी इनकार किया और कहा कि वे शिक्षा विभाग के मंत्री हैं और के के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं महीने में फिर से शिक्षकों की बहाली शुरू कर दी जाएगी जदयू के समाधान बचाओ मार्च पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिंह का पलटवार 6 दिसंबर को जदयू द्वारा जिला मुख्यालय में संविधान बचाओ मार्च निकालने का निर्णय लिया गया है जिस पर भाजपा विधान मंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है उन्होंने कहा है कि जदयू द्वारा भारत का संविधान पार्टी का संविधान विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के संविधान प्रदत्त अधिकारियों की हमेशा धज्जियां उड़ाई गई है जदयू के मुखिया द्वारा विधानसभा के अंदर चलते सत्र में महिलाओं का अपमान और दलित पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान पूरे देश के लोगों के द्वारा देखा गया है उन्होंने कहा कि जदयू के मुखिया ने जनादेश का अपहरण कर दूसरे गठबंधन के साथ सरकार बना ली है अगर उन, उन्हें संविधान की कद्र होती तो यह विधानसभा भंग कर नया जनादेश प्राप्त करते परंतु पलटू राम के नाम से विख्यात इन पर कोई असर नहीं पड़ा संविधान के द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है लेकिन महागठबंधन सरकार ने इसे छीन लिया है शिक्षक छात्र किसान मजदूर व्यापारी महिला युवा यदि अपनी बात रखने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठिया बरसाई जाती है जदयू के मौखिक संविधान के कारण राज्य के लोग परेशान है महागठबंधन सरकार का अगुवा जदयू इन्हीं के सहारे संविधान बचाने निकलेंगे चुनावी परिणाम पर आई तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से चार राज्यों में आज सुबह आठ बजे से गिनती की शुरुआत हो चुकी है ऐसे में खबर लिखे जाने तक में आए परिणामों को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा अपनी पहली प्रतिक्रिया दी गई है उन्होंने कहा है कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की जीत होनी चाहिए जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी उन्होंने कहा कि बीजेपी राजस्थान और एमपी में सरकार बना रही है तो वहीं कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बना रही है जबकि छत्तीसगढ़ में लड़ाई है निर्वाचन आयोग से प्राप्त आंकड़ों से यह शुरुआती रुझान सामने है बता दें कि पांचवा राज्य मिजोरम में मतगणना का कार्य सोमवार को किया जाएगा वही इसके अलावा इस चुनावी परिणाम पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सदस्य राम मांझी के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक्सपर्ट जो कि पूर्व में ट्विटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई है पाकिस्तान के क्रिकेटर ने बताया कौन है भारत का महान बल्लेबाज पाकिस्तान क्रिकेटर और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जुनैद खान के द्वारा नादिर अली के पॉडकास्ट पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए यह जानकारी दी गई है कि भारत का महान बल्लेबाज कौन है उन्होंने कहा है कि मैं रोहित शर्मा का नाम लेना चाहूंगा उनके पास सभी तरह के शोर्ट्स मौजूद हैं विराट कोहली दिग्गज खिलाड़ी हैं मगर जिस तरह सचिन तेंदुलकर ने अलग युग में बल्लेबाजी की अगर वह आज खेलते तो सौ से ज्यादा शतक जमा देते हर कोई रोहित शर्मा को हिटमैन कहता है क्योंकि उन्होंने दो रन की पारी खेली थी उन्होंने वनडे क्रिकेट में कई दोहरे शतक जमाए हैं यह दुर्लभ है, है क्योंकि उन्होंने ऐसा एक से ज्यादा बार करके दिखाया है उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा सबसे ज्यादा छक्के जमाने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं यानी आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल एक, एक सौ सात दशमलव दो चार रूपए और डीजल चौरानवे दशमलव शून्य चार रूपए प्रति लीटर में मिल रहा मुजफ्फरपुर में पेट्रोल एक सौ सात दशमलव नौ आठ रूपए और डीजल चौरानवे दशमलव सात शून्य रूपए प्रति लीटर मिल रहा है वही पूर्णिया में पेट्रोल की एक सौ आठ दशमलव सात एक रूपए और डीजल पंचानवे दशमलव तीन नौ रूपए प्रति लीटर है भागलपुर में पेट्रोल की कीमत एक सौ आठ दशमलव छह रूपए और डीजल की कीमत पंचानवे दशमलव दो पाँच रूपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है इसके साथ ही गया में पेट्रोल की एक सौ आठ दशमलव छह एक और डीजल की कीमत पंचानवे दशमलव तीन एक रूपए प्रति लीटर है बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है जहां पेट्रोल एक सौ नौ दशमलव तीन पांच रूपए प्रति लीटर और डीजल पंचानवे दशमलव नौ चार रूपए प्रति लीटर कीमत है बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है निपू कुमार कुमोद कुमार प्रीति चौरसिया मिथुन चक्रवर्ती ऋषिकेश साह उजयंत कुमार जय अमनौर बाबूलाल मरांडी सृष्टि रानी रोहित कुमार चंदन यादव अंशु प्रिया प्रिया कुमारी वैद्यनाथ ठाकुर मनीष कुमार इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर आज का सवाल है देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर आप क्या कहना चाहेंगे आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद